गाइज हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग। आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ एंट्री फ्रेंड्स, ये बेसिकली पालम विहार C2 ब्लॉक में 520 यार्ड प्लॉट साइज़ है। और बेसिकली आप देख सकते हो ये वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, में आपको कोठी भी बनी हुई है। और ये जो मिल रहा है आपको रेट, ये प्लॉट का रेट में ही मिल रहा है आपको बिल्डिंग के साथ। और सामने में ये आपको 10 मीटर की रोड जा रही है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा लोकेशन है फ्रेंड्स, सामने में ग्रीन बेल्ट एरिया भी है, आप अपना अपना जो है ग्रीन बेल्ट ही मेंटेन करोगे। प्रॉपर काफ़ी ग्रीनरी एकदम भरा पड़ा है जो कि आप देख सकते हो। ये लोकेशन वाइज भी देखने में काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। और ये इसका हो गया मेन गेट, और इधर सारे कुछ आपको यहाँ पे आपको रेनोवेशन का काम हुआ पड़ा है। इसमें आपको दो गाड़ी की, आप आराम से इसमें 3-4 गाड़ी लगा सकते हो। और चूँकि प्लॉट साइज़ काफ़ी बड़ा है तो आप इवन अंदर में भी 3-4 गाड़ी लगा सकते हो, और यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है तो इधर भी आप लगा सकते हो फ्रेंड्स। आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूँ इसकी बाउंड्री वॉल की, तो इसमें आप देख सकते हो प्रॉपर इसमें काम किया गया है, पत्थर लगी हुई है प्रॉपर, जो कि इसके डिज़ाइन को काफ़ी इन्हांस कर रहा है फ्रेंड्स। और ये इसका हो गया मेन गेट फ्रेंड्स, इसमें आपको स्टील के गेट मिल रही है जो कि आप देख सकते हो। ये इसका रैंप एरिया हो गया। मूविंग ऑन टू द कैंपस, और ये हो गया इसका कैंपस फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, इसमें प्रॉपर टाइल्स का काम हुआ पड़ा है, सारे बैटरी फाइव टाइल्स लगी हुई है जो कि आप देख सकते हो ये। और ये घर का एक जस्ट मैं आपको एक वॉक अराउंड करवा रहा हूँ। सामने में ये इसका हो गया ग्रीन बेल्ट एरिया, और इसको आप कैंपस बोल सकते हो। यहाँ पर इन्होंने कुछ ग्रीनरी के स्पेस छोड़ा हुआ है प्रॉपर, जो कि आप देख पा रहे हो ये काफ़ी अच्छा है। ये सामने में है इसका लॉबी एरिया, इस साइड से भी स्पेस दिया हुआ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी जो कि आप देख सकते हो ये भी, और इधर जस्ट इसके राइट में जो है उधर आपको मतलब गैराज है, गैराज भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इवन आप यहाँ पे भी अपना बना हुआ है, यहाँ भी आप पेरूट लगा सकते हो इधर भी। और ये हो गया गैराज, इस ये वाले एरिया में कम से कम आप 4-5 गाड़ी की, 4 इनोवा आपकी आ जाएगी ईजली। काफ़ी लंबे साइज का है ये जो कि आप देख सकते हो, और 1500 लीटर का आपको मिल रहा है इसमें सिंटेक्स, जो कि टेरेस पे लगेगा ये। मूविंग ऑन टू दी लॉबी एरिया, इवन आप देख सकते हो ये इसका हो गया मेन गेट, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन, इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है फ्रेंड्स ये, जो कि आप ये देख सकते हो डिज़ाइन वाइज देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। मूविंग ऑन टू दी लॉबी एरिया, ये इसका मेन गेट हो गया फ्रेंड्स, डिज़ाइन आप देख सकते हो, डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है। और ये इसका लॉक हो गया, हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेसिकली ये दो बेडरूम सेट नीचे में है ग्राउंड फ्लोर पे, और 3 बेडरूम ऊपर में फ्रेंड्स। और ये इसका हो गया लिविंग एरिया, और इसको लॉबी एरिया भी बोल सकते हो। आप देख सकते हो इसमें प्रॉपर फॉल सीलिंग का काम हुआ पड़ रहा है, लाइटिंग के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है इसमें, इवन आपको यहाँ पर भी छोटा सा एक विंडो दिया हुआ है। इसमें काफ़ी बड़े साइज़ की 3 विंडो मिल रही है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो ये डिज़ाइन वाइज देखने में काफ़ी एलिगेंट लग रहा है फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। फॉल सीलिंग का काम भी इसमें हुआ पड़ा है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स के फ्लोरिंग की, इसमें प्रॉपर आपको मार्बल लगी हुई है जो कि आप देख पा रहे होगे ये, और डिज़ाइन वाइज देखने में ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और मूविंग ऑन टू दी जस्ट मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम है, सेकंड बेडरूम हो गया, ये कॉमन वाशरूम हो गया रूम से भी, इस हॉल से भी, और ये वाला हो गया इसका किचन एरिया फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम दी फर्स्ट बेडरूम। इसमें आप देख सकते हो कि सारे टाइल्स का काम हुआ पड़ा है, सारे बैटरी फाइव टाइल्स लगी हुई है, फॉल सीलिंग का काम हुआ पड़ा है इसमें, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी। और आप देख सकते हो इसमें प्रॉपर आपको विंडो का प्रोविज़न मिल रहा है, और डोर भी लगी हुई है, साइड बाय साइड भी एक विंडो बनी हुई है प्रॉपर एयर लाइट वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें भी अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, में आपको सारे बैटरी फाइव टाइल्स का काम हुआ पड़ा है। और ये इसका वार्डरोब हो गया, जो कि साइज़ आप देख सकते हो काफ़ी ह्यूज साइज़ का ये वार्डरोब है, और इसमें भी आपको फॉल सीलिंग का काम हुआ पड़ा है जो कि मैं आपको डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा।
डिज़ाइन देखने में काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन है इसका, जो कि आप देख पा रहे हो ये। और ये इसका हो गया फ्रेंड्स वार्डरोब, जो कि मैं आपको साइज़ का एक जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि साइज़ का ये वार्डरोब है। साइज़ आप देख सकते हो काफ़ी ह्यूज साइज़ का ये वार्डरोब है, और डिज़ाइन वाइज देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। ये सेम साइज़ का ये साइड भी है, जो कि मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, और सारे सॉफ्ट क्लोज है ये। नीचे सारे बॉक्सेस, ऊपर सारे ड्रॉअर, सारे कुछ बने हुए हैं, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे, और सारे ही एक सॉफ्ट क्लोज हैं ये, और नीचे सारे ड्रॉअर्स बने हुए हैं जो कि आप देख पा रहे हो ये भी। मूविंग ऑन टू दी अटैच वॉशरूम, जो कि इस फर्स्ट बेडरूम से अटैच है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें भी लाइटिंग के लिए प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, बस जस्ट मैं एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, सारे में वेट्रीफाइड टाइल्स का काम हुआ पड़ा है, विंडो का प्रोविजन मिल रहा है, इसमें आपको सारे फिटिंग्स इसमें आपको जैगवार की मिलेंगे फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है। तो ये इसका शावर एरिया हो गया, जो कि आप देख सकते हो ये, और ये वाला हो गया इसका वॉश बेसिन एरिया, यहाँ पे वॉश बेसिन आ जाएगी। प्रॉपर मार्बल प्लेटफॉर्म बनी हुई है, यहाँ पे फिटिंग सारे जगवार के। यहाँ पे कमोड एरिया आ जाएगा इस एरिया में। फ्लोरिंग में भी अगर बात करूँ तो इसमें आपको सारे में टाइल्स का काम हुआ पड़ा है। मूविंग ऑन टू दी बैकयार्ड, जो कि इसके पीछे का स्पेस है इसका, इवन आप यहाँ भी देख सकते हो प्रॉपर कुछ स्पेस छोड़ा गया यहाँ पे। और इस साइड में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ पे भी आप अपना लगा सकते हो, पेड़ लगा सकते हो, या प्रॉपर एक पीछे आपको मतलब पीछे आपको जो है एक स्पेस मिल रहा है प्रॉपर कुछ भी करने के लिए, या अपना चेयर लगा के बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड बेडरूम, जस्ट मतलब जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो। इसमें अगर बात करूँ मैं इसके फ्लोरिंग के फ्रेंड्स, में प्रॉपर सारे बैटरीफाई टाइल्स का काम हुआ पड़ा है, जो कि आप देख सकते हो काम इसमें अभी चल ही रहा है। प्रॉपर इसमें डोर विंडो का प्रोविजन मिल रहा है। फ्लोरिंग की मैं बात करूँ, इसमें सारे बैटरीफाई टाइल्स का काम हुआ पड़ा है। फॉल सीलिंग का काम इसमें भी हो चुका हुआ है। लाइटिंग की प्रोविजन लग चुकी है इसमें, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डिज़ाइन वाइज अगर मैं बात करूँ इसकी, तो काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन है इसमें। और ये इसका हो गया वार्डरोब एरिया, आप देख सकते हो इसमें भी प्रॉपर आपको ये वार्डरोब एरिया है बना हुआ। ये इसका हो गया वार्डरोब एरिया, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। साइज़ काफ़ी बड़े, काफ़ी यू साइज़ का ये वार्डरोब ऊपर तक इंटैक्ट किया गया है इसमें। इसमें साइड बाय साइड की थ्री डोर लगी हुई है, जो कि आप देख सकते हो। ये इसमें सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, अभी काम चल ही रहा है इसमें, नेक्स्ट मंथ तक इसका कंप्लीशन होने वाला है फ्रेंड्स। और इस साइड पे भी काफ़ी स्पेस दिया गया है इसमें कुछ स्टोरेज के लिए, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मूविंग ऑन टू दी अटैच वॉशरूम, जो कि इस बेडरूम से भी और हॉल से भी ये जस्ट कॉमन है, लेकिन आप देख सकते हो सारे काम हो चुके हैं इसमें। विंडो का प्रोविजन मिला हुआ है, एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट छोड़ा गया है इसमें, सारे फिटिंग्स इसमें जगवार के लगेंगे फ्रेंड्स। थोड़ी की बात करूँ इसमें टाइल्स का काम हुआ पड़ा है। डिज़ाइन वाइज आप देख सकते हो, डिज़ाइन वाइज देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये। और ये इसका डोर का डिज़ाइन हो गया, डोर का डिज़ाइन भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी एलिगेंट लग रहा है, जो कि आप ये देख सकते हो। इस साइड में भी है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और डिज़ाइन वाइज ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मूविंग ऑन टू दी बैकयार्ड, जो इस सेकेंड बेडरूम से कनेक्ट हो रहा है, इवन आप देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी ह्यूज साइज़ का स्पेस छोड़ा गया है, जो कि इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है ये। और ये इसका बैकयार्ड हो गया, इवन यहाँ भी काफ़ी जस्ट इमेंस स्पेस छोड़ा गया है, कुछ भी रखने के लिए आप चेयर डाल के यहाँ बैठ भी सकते हो प्रॉपर।
यहाँ पे ग्रीन बेल्ट इसको बोल सकते हो प्रॉपर। आप यहाँ पे अपना कुछ पेड़ उड़ लगा सकते हो, कुर्सी चेयर कुछ भी लगा के बैठ सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर आपको क्रॉस वेंटिलेशन एयर का बना रहेगा, एयर लाइट वेंटिलेशन। मूविंग ऑन टू दी किचन एरिया, जो कि इस हॉल से कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्रंट से, तो इसमें बीनियर का काम हुआ पड़ा है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इवन हर एक रूम में जो है बीनियर का काम हुआ पड़ा है, जो कि इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है फ्रेंड्स। और ये वाला हो गया किचन एरिया इसका। इस अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, इसमें टाइल्स का काम हुआ पड़ा है, सारे बैटरी पर टाइल्स लगी हुई है, जो कि आप देख सकते हो। मैं जैसे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ नीचे में सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, ऊपर मार्बल टॉप किया गया है वाइट कलर की, दो बॉक्सेस बने हुए हैं, चिमनी के लिए प्रोविजन दिया गया है। इस साइड अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे भी कुछ स्पेस दिया गया है। ये पैंट्री एरिया हो गया, और यहाँ भी कुछ स्पेस का प्रोविजन दिया हुआ है। ये इसका डोर हो गया, मेन डोर किचन का, आप देख सकते हो। डोर का डिज़ाइन भी काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन है, और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है ये भी देखने में, आप देख सकते हो ये। और यहाँ पे जो है फ्रिज के लिए, साइड बाय साइड की फ्रिज आ जाएगी, यहाँ पे प्रोविज़न भी दिया हुआ है, स्पेस काफ़ी ह्यूज है ये। और इसके अंदर भी एक पेंट्री है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें टाइल्स का काम हुआ पड़ा है, टाइल्स प्रॉपर लगी हुई है, यहाँ प्लेटफॉर्म बनी हुई है। और ये किचन से कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स, पीछे की तरफ रास्ता, जो कि बैकयार्ड की तरफ जाता है ये, जो कि प्रॉपर एयर लाइट वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा इसमें किचन में भी, जो कि आप देख सकते हो, देख पा रहे हो ये। मूविंग ऑन टू दी लॉबी एरिया, इवन मैं आपको जैसे एक वॉक अराउंड दे रहा हूँ, आप देख सकते हो कि इसकी अगर फ्लोरिंग की बात करो, इसमें प्रॉपर मार्बल लगी हुई है, और डिज़ाइन वाइज आप देख सकते हो इसमें इधर भी विंडो का प्रोविज़न, एक विंडो दो विंडो मिल रहा है, छोटा सा विंडो भी है इसमें, तीन चार और एक पाँच और छः विंडो मिल रहा है इस लॉबी में। प्रॉपर फॉल सीलिंग का काम हुआ पड़ा है, जो कि इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है फ्रेंड्स। ये इसका मेन डोर हो गया, जिसमें एक आपको आयरन डोर मिल रही है, एक इसमें आपको वुडन डोर मिल रहा है, जो कि इसका एंट्रेंस डोर है, मेन डोर भी इसको आप बोल सकते हो। और डिज़ाइन वाइज आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका। और ये इसका पीछे का रास्ता हो गया, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इवन यहाँ भी आप देख सकते हो इसका पीछे का रास्ता, यहाँ पे भी प्रॉपर इन्होंने काम किया हुआ डिज़ाइन, देखने में ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। इसमें भी पॉलिश वर्क अभी पेंडिंग है, अभी होगा इसमें। इसमें भी आपको एक जो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसमें भी आपको एक डोर मिल रहा है, और इसे हो रहा है कनेक्ट फ्रेंड्स ये गराज, जो कि मैंने आपको दिखाया था। ये गराज आप देख सकते हो, यहाँ पे भी गाड़ी की पार्किंग कर सकते हो आप, यहाँ पे भी एक इनोवा साइज की गाड़ी आराम से आ जाएगी, और इस लेन में आपको कम से कम चार गाड़ियाँ आ सकती हैं यहाँ पे, जो कि आप देख पा रहे हो ये। और ये हो गया इसका बैकयार्ड, जो कि मतलब गराज से भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे भी डोर दिया हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ से भी स्टेयर्स का प्रोविज़न दिया हुआ है, अगर आप बैकयार्ड से अगर जाना चाहते हो, तो यहाँ से भी आप जा सकते हो, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ऊपर की तरफ। मूविंग ऑन टू दी अपस्टेयर्स, आप देख सकते हो जो डिज़ाइन है इसका स्टेयर्स का, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, जो कि इसकी लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है फ्रेंड्स। ये जस्ट मैं आपको इसका एक वॉक अराउंड दे रहा हूँ, लेट्स मूविंग ऑन टू दी अपस्टेयर्स। अगर बात करूँ इसकी स्टेयर्स की, इसमें प्रॉपर मार्बल का काम हुआ पड़ा है, मार्बल इसमें लगी हुई है, जो कि इसके डिज़ाइन को, इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रही है फ्रेंड्स। ये इवन आप देख सकते हो, अगर बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, इसमें प्रॉपर मार्बल लगी हुई है, जो कि आप देख पा रहे हो ये। और यहाँ पे सेंटर के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है, आप देख सकते हो हल्का सा ये कर्व्ड शेप में है ये इसका स्टेयर्स। और इसमें आपको तीन बेडरूम मिल जाएगी फ्रेंड्स, एक दो और तीन। यहाँ पे भी आपको विंडो का प्रोविज़न मिल रहा है, दो विंडो मिल रही है एयर लाइट वेंटिलेशन के लिए, जो कि आप देख पा रहे हो ये। इस हॉल में भी आपको एक
बड़ी सी विंडो मिल रही है, डोर्स का प्रोविजन मिल रहा है, दो विंडो यहाँ भी मिल रही है। और मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे इस रूम में प्रॉपर आपको बिंजे का काम हुआ पड़ा है। डिज़ाइन वाइज देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स ये, और इसमें प्रॉपर ही सारे में जो वुडन वर्क किया गया है, वुडन क्लैडिंग बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि इसकी लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है फ्रेंड्स ये। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, इसको ये मास्टर बेडरूम है फ्रेंड्स। अगर बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, इसमें प्रॉपर आपको सारे में मार्बल का काम हुआ पड़ा है, जो कि इसकी लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है फ्रेंड्स ये, जो कि आप देख पा रहे हो। ये इसमें आपको फॉल सीलिंग का भी प्रोविज़न हुआ पड़ा है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है ये भी, जो कि आप देख सकते हो। इसमें आपको प्रॉपर तीन विंडो मिल रही है फ्रेंड्स, एक विंडो यहाँ है और दो साइड बाय साइड है, एक इधर है, बीच में डोर आ गए, इधर एक विंडो है, यहाँ पे भी छोटा सा विंडो दिया हुआ है। मूविंग ऑन टू दी वार्डरोब एरिया, जो कि आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे प्रॉपर ये ड्रेसिंग एरिया है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ऊपर तक इसमें लगी हुई है, माइक का काम हुआ पड़ा है। यहाँ इसमें आपको स्लाइडर डोर्स मिल रही है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी ह्यूज है इसका, ये स्लाइडर डोर है, ऊपर में सारे बॉक्सेस बनी हुई हैं, और इस साइड में आपको दिखाना चाहूँगा, और सारे ही ये सॉफ्ट क्लोज हैं फ्रेंड्स ये, जो कि इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहे हैं। इस साइड भी आप देख सकते हो काफ़ी ह्यूज साइज का स्पेस का प्रोविजन दिया गया है इसमें। मूविंग ऑन टू दी अटैच वॉशरूम, जो कि इस मास्टर बेडरूम से और थर्ड बेडरूम से अटैच है, आप देख सकते हो इसमें प्रॉपर सारे टाइल्स का काम हुआ पड़ा है, टाइल्स लगी हुई है, काफ़ी ह्यूज साइज का ये वॉशरूम है फ्रेंड्स। ऊपर तक टाइल्स का काम हुआ पड़ा है, इसमें विंडो के लिए प्रोविजन दिया गया है। ये इसका वॉश मशीन एरिया हो गया मार्बल टॉप के साथ, यहाँ इसका कमोड एरिया हो गया फ्रेंड्स, और इसमें भी आपको एक एग्जॉस्ट के लिए प्रोविजन दिया गया है, विंडो का प्रोविजन मिल रहा है इसमें। मूविंग ऑन टू दी अटैच्ड बालकनी, जो कि इस थर्ड बेडरूम से अटैच हो रहा है, ये जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इसका बालकनी हो गया, जो कि आप देख पा रहे होगे मार्बल टॉप के साथ मिल रहा है आपको, इसमें छोटा सा बालकनी है, और ये आपका हो गया बैकयार्ड, ग्रीनरी काफ़ी भरा पड़ा है यहाँ पे, पेड़ लगी हुई है काफ़ी, जो कि आप देख पा रहे हो। मूविंग ऑन टू दी फोर्थ बेडरूम, जो कि इस हॉल से कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स ये, इवन आप देख सकते हो इसमें, ये इसका बेडरूम हो गया है। अगर बात करो इसकी फ्लोरिंग की, इसमें प्रॉपर टाइल्स का काम हुआ पड़ा है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सारे वेट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई है, दो विंडो का प्रोविजन मिल रहा है इसमें आपको, फॉल सीलिंग का काम हुआ पड़ा है, जो कि आप देख पा रहे हो ये। और इससे अटैच ये कवर्ड है, ये देख सकते हो ऊपर तक इंटैक्ट है ये। एक बड़ी मैं आपको इसका साइज का वॉक अराउंड करवा रहा हूँ, साइज काफ़ी ह्यूज साइज का ये कवर्ड है, जो कि आप देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स ये। नीचे में भी सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, और सारे सॉफ्ट क्लोज है ये, इधर भी साइड में भी कुछ प्रोविजन दिया हुआ है, कुछ स्पेस रखने के लिए, सारे सॉफ्ट क्लोज है ये। और ये हो गया पैंट्री एरिया, इवन आप देख सकते हो इसमें भी प्रॉपर, अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, मार्बल इसमें लगी हुई है प्रॉपर, और कुछ स्पेस रखने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है इसको, आप स्टोर रूम और पूजा घर बना सकते हो इसको। और ये हो गया एक कॉमन वॉशरूम, जो कि इस हॉल से कनेक्ट हो रहा है ये लॉबी से। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें टाइल्स का काम हुआ पड़ा है, डिज़ाइन आप देख सकते हो, डिज़ाइन देखने में काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन इसका, विंडो का प्रोविज़न मिल रहा है, एग्जॉस्ट के लिए प्रोविज़न छोड़ा गया है इसमें। यहाँ कमोड एरिया आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये शावर एरिया है, और यहाँ पे वॉश बेसिन एरिया आ गया यहाँ पे, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और ये वाला हो गया लॉबी एरिया, जो कि मैंने दिखाया था आपको,
डिज़ाइन वाइज देखने में ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे भी प्रॉपर तीन विंडो का प्रोविज़न मिल रहा है एयर लाइट वेंटिलेशन के लिए, दो इधर है फ्रेंड्स और एक और दो इधर है, ये छोटा सा विंडो भी यहाँ मिल रहा है आपको। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर मार्बल का काम हुआ पड़ा है, मार्बल लगी हुई है इसमें जो कि इसके लुक्स काफ़ी इन्हांस कर रहा है। ये एक बड़ी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मूविंग ऑन टू दी टेरेस, ये इसका छत हो गया छोटा सा, जहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे काम हुआ पड़ा है, रेलिंग लगी हुई है, डिज़ाइन वाइज देखने में ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। जो कि आप देख पा रहे होंगे, और ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ा गया है, कुछ ग्रीन बेल्ट टाइप का आप कुछ बना सकते हो, कुछ पेड़ उड़ लगा सकते हो यहाँ पे। ये इसका एंट्रेंस हो गया, सामने में 10 मीटर की रोड जा रही है, सामने ग्रीन बेल्ट है, ये इसका बाउंड्री हो गया प्रॉपर, यहाँ पे स्टील की गेट लगी हुई है, रेलिंग और यहाँ पे प्रॉपर रेलिंग का काम किया गया है बाउंड्री में। लोकेशन वाइज देखने में ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर भी स्पेस छोड़ा गया है, और इस साइड भी आप स्पेस देख सकते हो, काफी स्पेस यहां भी छोड़ा गया है जो कि देख पा रहे हो। ये भी आप यहां पे आप गाड़ी की पार्किंग कर सकते हो, चार आपकी मतलब इनोवा साइज की गाड़ी चार आ जाएगी यहां पे। और ये इसका हो गया टेरेस एरिया फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी आप इसका देख सकते हो, डिज़ाइन देखने में काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी देखने में। और तो फ्रेंड्स ये था पालम विहार C2 ब्लॉक, 520 yard प्लॉट साइज है ये, और इसका प्राइस एंड ऑल सारा कुछ मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। बेसिकली फ्रेंड्स ये 4 BHK है, नीचे में जो है फ्रेंड्स आपको दो बेडरूम नीचे मिल रहा है और दो बेडरूम ऊपर मिल रहा है आपको, इसमें एक कॉमन वाशरूम के साथ एक रूम है, इसमें एक कॉमन वाशरूम यहाँ पे हॉल में अटैच्ड है ये। तो प्राइस एंड ऑल सारा कुछ मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट कर लेना। अच्छा लगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।